हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कनावर ट्यूटोरियल्स। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म पढ़ेंगे। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन हम लास्ट लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो डरने की कोई बात नहीं है, इस लेक्चर में आप पूरी एलिमिनेशन रिएक्शन को समझ जाओगे। देखो, एलिमिनेशन रिएक्शन दो मैकेनिज्म फॉलो करती है, एक ईवन यानी कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन और एक इट्टू यानी कि बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इट्टू मैकेनिज्म को, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन को। तो देखिए, बाई मोलिकुलर एलिमिनेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इट्टू से। तो स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, जो एलिमिनेशन होता है वो बेस की प्रेजेंस में होता है। बेस क्या करता है, रिएक्टेंट का जो बीटा हाइड्रोजन है उसे निकालता है, क्योंकि आपको पता है कि बेस वो होता है जो हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है, एच प्लस को। तो देखो, मान लो ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है, तो आपको पता है कि जिस कार्बन से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो हैलोजन एक फंक्शनल ग्रुप होता है, तो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो बीटा कार्बन होता है, और आपको पता है कि बीटा कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन होगा। और एलिमिनेशन करवाते हैं मोस्टली एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। अब देखो, एल्कोहलिक KOH का क्या मतलब है, एल्कोहलिक KOH का मतलब है एथेनोलिक KOH, यानी कि एथेनॉल के साथ KOH लेते हैं। अब आपको बताया कि एथेनॉल से H निकलने के बाद एथोक्साइड आयन बनता है C2H5 और O माइनस, इसको हम एथोक्साइड बोलते हैं। देखो, यह एज ए बेस वर्क कर सकता है क्योंकि यह H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कि एज ए बेस यह वर्क कर सकता है। तो देखो, यह एथोक्साइड आयन क्या करेगा, इस बीटा हाइड्रोजन को ले जाएगा। अब देखो, अगर यहां से H प्लस निकल गया तो इस बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए और वो दो इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर यहां पर नया बॉन्ड बन गया तो इस कार्बन के अल्फा कार्बन के पांच बॉन्ड बन गए। देखो, एक तो कार्बन के साथ, एक क्लोरीन के साथ, दो हाइड्रोजन के साथ, चार, और एक नया बन गया, पांच बॉन्ड बनने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। अब जैसे ही इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई तो ये क्लोरीन को बोलेगा कि ये ले इलेक्ट्रॉन और चल यहां से, यानी कि आपको पता है कि हैलोजन लिविंग ग्रुप होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लेकर के चलते बनते हैं। अब देखो, इसको हम लिखते कैसे हैं, ध्यान से समझना इसको। हम जो बॉन्ड ब्रेक होता है और जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, यानी कि देखो ये बॉन्ड बन रहा है तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे इस टाइप से C2H5O, और आपके पास ये H, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो जो ब्रेक होता है उसे भी हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, तो ये CH2, और इस बॉन्ड को हमने नहीं छेड़ा है तो ये ऐसा का ऐसा। ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसको हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे, और एक बॉन्ड यहां पर बन रहा है देखो, तो इसको भी हम डॉटेड लाइन से शो करेंगे। अब इसको हम बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट। अब देखो, आपका हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल जाएगा तो ये लो हैलोजन निकल गया, यह जो एथोक्साइड है वो H को ले लेगा यानी कि C2H5OH बाहर, और यहां पर नया बॉन्ड बन जाएगा यानी कि आपके पास CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि आपके पास एल्कीन बन जाएगी। तो ये आपकी इट्टू मैकेनिज्म है। अब इसमें क्या क्या होता है तो वो बातें हम लिख लेते हैं। तो देखो, फर्स्ट, यह एक स्टेप में ही कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीटेड इन इन वन स्टेप। देखो, दूसरी बात आप लिख सकते हो कि इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट इज फॉर्म्ड। अब देखो, इसकी रेट की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो रिएक्शन एक स्टेप में होती है उसकी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी वही होती है। अब देखो, इसकी स्टेप में, यानी कि ये तो एक स्टेप में तो कंप्लीट हो रही है, तो इसमें देखो कौन कौन आ रहा है, एक तो बेस आ रहा है और एक एल्किल हैलाइड आ रहा है,
तो यह जो रिएक्शन है वो बेस की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी और एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगी, यानी कि दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करिए, तो इसे हम बोलेंगे सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। अब देखो ये केमिकल काइनेटिक की बात है, जो कि आप जो चैप्टर आएगा चौथा 12th स्टैंडर्ड का, तो उसमें आप समझोगे। एक बार इतना सा बस ध्यान रख लेना कि दोनों पर रिएक्शन डिपेंड कर रही है तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ एल्किल हैलाइड एंड बेस, कि दोनों की कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, सो रिएक्शन इज सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक। तो देखो दोनों पर डिपेंड कर रही है तो सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक, अगर एक पर डिपेंड करेगी तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक होगी। अब इसके हम रेट लिखें तो रेट किसके प्रोपोर्शनल है दोनों की कंसंट्रेशन, तो एक तो है आपका एल्किल हैलाइड और एक है आपका बेस, डायरेक्ट बस ऐसे लिख दो। तो स्टूडेंट्स ये इट्टू मैकेनिज्म है, तो आप इसको ऐसा कैसा लिख लीजिए। अब नेक्स्ट मैकेनिज्म यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन पढ़ते हैं। तो देखो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन, इसे हम ईवन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन है वो दो स्टेप में होता है। देखो फर्स्ट स्टेप में हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल लेता है और सेकंड स्टेप में जो बेस है वो हाइड्रोजन को ले जाता है। तो देखो स्टेप फर्स्ट अब ये हमारे पास एल्किल हैलाइड, और ये हैलोजन है। तो स्टेप फर्स्ट में ये हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के बाहर निकल लेगा, तो ये लो, तो आपके पास जब हैलोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के निकल जाएगा तो कार्बन पर प्लस चार्ज आएगा और जिसे हम कार्बोकैटायन बोलते हैं, तो आपके पास कार्बोकैटायन बनेगा, इंटरमीडिएट के रूप में कार्बोकैटायन बनेगा। अब देखो जैसे ही यहां पर प्लस बनेगा आपका बेस आएगा इससे मिलने, तो देखो क्या करेगा, तो स्टेप सेकंड ये आपका कार्बोकैटायन, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कार्बोकैटायन, और ये आपका बेस, मान लो ये आपका एथोक्साइड आयन है, इसे हम उल्टा लिख लेते हैं C2H5, तो ये H को ले जाएगा, तो -C2H5OH। अब ये दो इलेक्ट्रॉन यहां पर बॉन्ड बना लेंगे, तो बॉन्ड बनाते हैं, इस कार्बन की कोटा पूर्ति होगी, पहले तीन बॉन्ड थे अब चार हो गए पूरे, तो आपके पास एल्किन बनेगी CH2 और ये CH3, तो ये आपके पास एल्किन बन गई। तो देखो सिंपल है एकदम से, तो इसके बारे में एक दो बातें लिख लेते हैं। फर्स्ट बात, कंप्लीटेड इन वन स्टेप, देखो एक स्टेप में ही ये कंप्लीट होती है। आप इतना ध्यान रखो कि यूनिमोलिकुलर एलिमिनेशन दो स्टेप में होता है, फर्स्ट स्टेप में हैलोजन बाहर निकलेगा और सेकंड स्टेप में बेस आएगा और हाइड्रोजन को ले जाएगा, ठीक है। इसमें कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट, ठीक है। अब देखो रेट की बात करते हैं, जो रिएक्शन एक से ज्यादा स्टेप में हो तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है, रेट बताने वाली स्टेप होती है, वो फर्स्ट स्टेप होती है, और फर्स्ट स्टेप में केवल एल्किल हैलाइड है क्योंकि बेस तो सेकंड स्टेप में आता है। तो यह रिएक्शन है वो केवल एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, बेस की कंसंट्रेशन पर डिपेंड यह रिएक्शन नहीं करती है। तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स only on the concentration of alkyl halide।
अब एक पर डिपेंड करें तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। सो रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक। अब देखो नेक्स्ट बात लिखते हैं इसकी, अब इसकी रेट लिख लेते हैं। तो रेट केवल एल्किल हैलाइड के प्रोपोर्शनल होगी, तो रेट प्रोपोर्शनल ये आपका एल्किल हैलाइड। तो स्टूडेंट्स ये इवन मैकेनिज्म। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर पर हम इवन और इटू के एग्जांपल्स करेंगे कि क्यों ये टू स्टेप में होती है और क्यों जो इटू मैकेनिज्म है वो एक स्टेप में होती है, कौन कौन से एग्जांपल, कौन कौन से रिएजेंट इस टाइप की रिएक्शन देते हैं, तो वो सारा कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। और साथ में SN1 SN2 एंड इवन और इटू में डिफरेंस करेंगे और कौन से एग्जाम्पल SN1 में काम आएंगे और कौन से एग्जाम्पल SN2 में काम आएंगे, तो सब कुछ हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आप वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।